बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा रहे थे कि फजर की नमाज के वक़्त किसी ने आवाज़ दी कि माविया उठो और जमात के साथ नमाज अदा करो। हज़रत माविया उठे और चारों तरफ देखा मगर आवाज़ देने वाला नज़र ना आया। हैरान थे कि ये आवाज़ कहाँ से आई। आपने पूछा, आवाज़ देने वाले बता तू कौन है। जवाब आया, मैं शैतान हूँ। आप और ज़्यादा मुतअज्जब हुए कि शैतान और नमाज ये दोनों मुखालिफ चीज़ें हैं, ये कैसे मिल गईं। आपने फरमाया, अगर तू वाकई शैतान है तो शैतान का काम तो नमाज से हटाना है, ना कि नमाज की तरगीब दिलाना। शैतान ने कहा, जनाब बात दरअसल ये है कि पिछले हफ्ते भी आपकी एक नमाज रह गई थी तो आप उस नमाज के कजा होने पर बहुत रोए थे और मैंने सुना कि रहमत के फरिश्ते आपस में ये कह रहे थे कि माविया जिस नमाज के छूट जाने पर रोए थे अल्लाह ताला ने इनको 70 जमात का सवाब दे दिया है, लिहाजा मैंने आपको आज इसलिए जगाया है कि आप उठकर नमाज पढ़ लें ताकि 70 की बजाय सिर्फ एक जमात का ही सवाब मिले। आपने सुना कि शैतान दुश्मन इंसान है, इसकी हर लम्हा यही कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह इंसान को दरगलाए और नेकी करने से बाज रखे।